हेलो एवरीवन, तो अभी जो हर्ष है ना वो टास्क हार गया था। उसके बाद ना उसको काफ़ी हेट मिल रहा है एंड बहुत लोग ना उसको और दिग्विजय को कंपेयर भी कर रहे हैं। एंड फिर जो जसवंत एंड आकृति है ना, उन्होंने भी शो के अंदर हर्ष को बिल्ली बोला था। अभी शो के बाहर ना इन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल सिवेत ने अभी हर्ष का स्टैंड लिया है, नो हेट फॉर एनीवन, पर आस्क देम क्या इन्होंने कोई चैलेंज नहीं हारा अभी तक। एंड एनिका के पास पावर जाते ही कौन बिल्ली बना था। भाई टास्क या चैलेंज में दिन मैटर करता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आप अच्छा परफॉर्म करो, कई बार आप अच्छा परफॉर्म करके भी हार जाते हो। एंड वन मोर थिंग, आपको कोई पपेट बोले तो आपको बहुत बुरा लगता है। एंड एक और बात, हर्ष इकलौता एक ऐसा पर्सन है जिसको अभी तक मिस्चीफ बॉक्स या फिर किसी ट्विस्ट की जरूरत नहीं पड़ी सेफ होने से पहले, तो 10 बार सोचा करो कुछ बोलने से पहले। फिर इसके बाद अभी अपकमिंग एपिसोड का जो प्रीकैप आया है ना, उसके बाद लोग एडी को भी काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे हैं। एंड अभी उतनी ना कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हर्ष सच बोल रहे हैं या फिर नहीं, बिकॉज उन्होंने ना ये सेम टॉपिक डोम सेशन के अंदर नहीं उठाया था, अभी टास्क के टाइम पर उन्होंने रिवील किया। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि हर्ष और आईडी के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम हुई हो। बट हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि देव ने भी ना इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है, मतलब वो भी एग्री करते हैं कि आईडी ने ये चीज़ बोली थी। तो यहाँ पर ना आईडी ने भी ना खुद का स्टैंड लिया है। ये जितने लोग प्रीकैप देखकर जो भी सोच रहे हैं, सीजन एंड होने दो, उन्हीं लोगों से पूछूंगा फिर मैं। तो गाइस सच बताओ ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को आया हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, एंड आपके अकॉर्डिंग अभी ये जो हर्ष को हेट मिल रहा है ना, ये जस्टिफाइड है या फिर नहीं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।